जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको वो अशोक कुमार शर्मा जी से जो बात हुई थी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास में मैं पेश करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि वो अपनी सफाई के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी बोल रहे हैं सर? जी सर, मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर गुड मैम, अशोक शर्मा बोल रहा हूँ सर। जी सर बोलिए सर, बोल। हेलो, हाँ बताइए सर, बताइए सर, अपने बताइए, आपको बहुत सारी चीजें अपडेट, अभी क्या अपडेट है आपके पास? अपडेट तो कुछ नहीं है साहब, एक महीना हो गया, मतलब अब क्या है कि हम मजदार में छोड़ के चले गए सर, बीच में क्या मजदार नहीं सर, अब ये चीजें तो आपको पता है, तो हर रोज फेस कर रहा है कहीं ना कहीं, अब इसके लिए हमने भी कहीं ना कहीं हमने लीगली इलीगल फॉर्म तैयार किया है जी, रियायत के पैसे अपने को किस तरह से रिकवर होंगे, या फिर मान लीजिए जब आप लोगों को किस तरह से देना है, सर भी बना रखा है, तो क्या प्लानिंग है सर, आगे बताइए सर आप। सर आगे के लिए सर थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा इस चीज को लेके, थोड़ा सा अपने को पेशेंट रखना होगा, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, बहुत ज्यादा सर मैं समझ रहा हूँ सर, अभी तक चीजें फॉर्मल कहाँ हुई आप ये बताओ ना, आप भी तो चीजें देख ही रहे हो ना, देखोगे तो कहाँ चीजें नॉर्मल हुई है। तो सर ये बात करें जिनके एड्स हम रन कर रहे थे, तो आप देखोगे कहीं से भी अपने को सिंगल वो बात तो सही है, पर ऐसे ऐसे लॉकडाउन में लोगों का जब पैसा आपने लिया है इस तरीके से, मतलब बीच मजदार में छोड़ के चले गए, लोगों को पैसे दिए भी थे ना, दिए हैं गए हैं, तो जितना मतलब जैसे 7-8 महीने का दिया है, तो वो रिटर्न अपग्रेड में वो पैसा वापस ले लिया सब, तभी क्या सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसके तरीके से? फिलहाल ये कि लोगों के पास पैसे रखने के अलावा कोई और सिस्टम नहीं है, ऑप्शन मैं कह रहा हूँ, जो भी हमने एग्रीमेंट किया था एग्रीमेंट में हम तो कैटरिंग के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, आज फिर में क्या वही एग्रीमेंट हमारा एड्रेस के साथ भी उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, आज बैठी हुई है तो उसी चीज को लेकर बात कर रही ना, तो आप ये मैसेज पास ऑन कर सकते टू ऑल ऑफ योर यूजर्स, कैसे करा सर? मेरी बात सुनो सर, हमने अपनी तरफ से पूरी बात कंप्लीट करो फिर मैं अपनी बात रख दूँ। हाँ बिल्कुल सर, आप बोलो सर, नहीं आप अपने सुन लो, मैं उसके आपको 1-2 मिनट जवाब दे दूंगा, आप बोलो सर, आप सर बोल दीजिए आपकी क्या है, उसके बाद में मेरा तो ये कहना है कि वी नीड टाइम फॉर दैट, आज कहीं ना कहीं अगर हमने यूजर के थ्रू एग्रीमेंट, यूजर के लिए अगर एग्रीमेंट किया तो वही एग्रीमेंट कंटेनर हमारा चला है एडवर्टाइजर के साथ भी, आज वो भी यही जवाब दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का लॉ अगर मार्केट में आया हो तो आप देखोगे लॉ में उन्होंने साफ लिख रखा है कि कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट कंपनी हो या इवन एम्प्लॉयज के ऊपर से लेकर तक हर कोई अपनी चीजों को मैनेज ही कर सकता है, तो टाइम मिलेगा अपनी बातें रखने की पूरी करने की, तो ये चीज हम भी फॉलो कर रहे हैं, आज के एक्सपेक्टेशन से हमें कि हाँ जी लॉकडाउन के बाद चीजें स्टार्टअप हो जाएगी, तो स्टार्टअप नहीं है वो धीरे धीरे स्लो डाउन, धीरे धीरे स्टार्टअप हो रही है जी जी, आज हमने अगर बिजनेस बैठा रखा है या टाइम टेकन ले रहा है तो वो कंटेंट क्यों लेके यूजर को प्रॉब्लम में बात करे ना, लॉयर से बात की, लॉयर की टीम बैठ रखी है वहाँ अपनी कंटेंट वहाँ पे अपनी बातें रख लें, क्या दिक्कत उनको आ रही है या वो क्या फेस कर रहे हैं, सेम प्रोसेस अपने साथ भी है और हम चाहेंगे जितनी जल्दी चीजों को स्टार्टअप ले, वो जल्दी कब तक आएगा सर? सर मैं एग्जैक्ट आपको डेट बताना नहीं चाहूंगा, तो एग्जैक्ट क्या बताऊंगा आपको, बट वी आर ट्राइंग टू कम एयर सेफ्टी, मतलब समझ लो आप एज सून एज पॉसिबल मार्केट में आना चाहेंगे, एक जो चीज है ना वो बातचीत चल रही है, यही रीजन है आज कस्टमर के सोल्यूशन बैठाने का कि लोगों को ये ना लगे जो बाकी मार्केट में चल रही है, ये ना लगे कि हाँ जी कंपनी भाग गई है, कंपनी ऐसी कोई बात है, अब ऑफिस बैठा के स्टाफ को और उनके जो भी मान लीजिए एग्रेसिवनेस वो तो हम नहीं झेल सकते ना, कहीं ना कहीं ऑफिस बंद करने का ऑर्डर भी गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, ये कोई हमारा पर्सनल वे नहीं है जी जी, अगर आप अहमदाबाद की बात करें अहमदाबाद में हर चीज बंद है, ऑफिस की आपको हर चीज बंद है सर, इवन गवर्नमेंट ने भी जो चीजें स्टार्ट की उन्होंने तो उस चीज को बंद करा ना, आज देखो कितने स्टेट में सील लगे हुए हैं, कितने स्टेट इंटरस्टेट काम बंद हो रखा है, कितने ट्रेन सुविधा बंद हो रखी है, तो चीजें भी तो सर बचाव के लिए चल रहा ना, सेफ्टी मेजर्स चल रहे हैं, तो दूसरी सर जैसे 9 जून तक रजत सिंह सर, विजय शर्मा और अनुज शर्मा से जो बात हुई उसमें उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली कहा था कि 7 जून से 10 जून के बीच में पेंडिंग पेमेंट आपका आ जाएगा, 9 जून को इवनिंग में 5-6 बजे के बाद में उनके फोन स्विच ऑफ हो गए, ऐसा क्यों हुआ?
सर एक्सपेक्टेड था ना, अब मोदी जी ने भी अनाउंसमेंट किया था आफ्टर लॉकडाउन चीजें विल बी फुलफिल हो जाएंगी, लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, क्या वो हुआ है कि नहीं बताओ आप मुझे? आफ्टर लॉकडाउन चीजें चेंज हुई आप मुझे बताओ? आज किराने दुकान और सब्जी भाजी के अलावा क्या चीजें होने में आप बताओ कि क्या बस्ती में क्या चल रहा है? तो ये चेंज हो गया, लोग वापस जॉब में चले गए, क्या चीज चेंज हुई? तो जैसे मान लो आपने ये सस्पेंडेड हम भी एक्सपेक्ट कर नहीं रहे ना कि ये इतनी बड़ी महामारी होगी, तो फर्स्ट टाइम वी आर फेसिंग दैट सेम थिंग। तो आपको जो मतलब पहले से प्रीवियस हो गया था, पहले पता चल गया कि ये सब नहीं था, ये एक्सपेक्टेड इतना लंबा एक्सपेक्टेड नहीं था, आपके बारे में ही थिंकिंग आपके यहाँ एक दो महीना में चीजें वापस से अपनी जगह पे आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो आपके बारे में ये बताया गया कि मैं कह रहा हूँ इंडिया में आज जरूर लॉकडाउन बंद हो गया, बट आफ्टर लॉकडाउन ऑल्सो आप देखो ना चीजें क्या नॉर्मलाइज हो गया, नथिंग। क्या आज कोर्टें स्टार्ट हो गई है, क्या कोर्ट में लोग रह जाना शुरू हो गए हैं, क्या लॉयर अपनी जगह बैठ रहे हैं, जस्टिस बैठे आप देखो किसी चीज को पकड़े लो, लेकिन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में क्या एम्प्लॉइज बैठना शुरू हो गए, लोग बैठे सब अपने घर पे बैठ के चीजें मैनेज कर रहे हैं एंड द वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये तो आपके बारे में जो चीज बताई गई थी पहला जो क्वारंटाइन किया था उसने चलो हमने एक्सेप्ट किया, हो सकता है ऐसी कुछ कंडीशन बनी होगी जिसके कारण आपको क्वारंटाइन किया, नेक्स्ट क्वारंटाइन किया उसमें सस्पेक्टेड हो गए, एक भी पूरे इंडिया में कहीं भी मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं क्वारंटाइन सेकंड नहीं हुआ, 19 मई को वापस मैसेज आया कि आपका सेकंड क्वारंटाइन हो गया सर का, और उसके कारण से सारा परेशानी हो गई। इवन उस टाइम तक बातचीत हो रही थी, जो मैसेज एम्प्लॉइज को वही बताएंगे ना इनको, जो मैसेज इनको दिया जाएगा जी, एक्सपेक्टेड था कि जून में वी आर बैक ऑन वर्क। तो आपके ये जो तीनों स्टाफ ये वापस वो चीजें आगे परफॉर्म कर रहे थे, तो वो तो वही कर रहे हैं हमें आगे सिर नहीं हुई ना सर अभी नहीं, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि सितंबर हम लेके चलते सितंबर एंड तक और अक्टूबर फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट वीक में चीजें और हो सकता है चीजें हो जाए, और ऐसा नहीं है कि टारगेटिंग ऐसा नहीं है कि एक महीने का हम फुलफिल करेंगे पेमेंट, हम ट्राइंग यहाँ दो महीने तीन महीने का एक सब लास्ट में जो बात हुई है कुछ और भी बात हुई थी जी। तो हम ऐसा भी करना चाह रहे हैं कि हाँ जी कहीं से पेमेंट हमारा रिलीज होता है तो इसे हम दो महीने तीन महीने का पेमेंट भी करें लोगों को। तो अगर जैसे ये सस्पेंड करना था तो प्रॉपर वे से आप करते हैं तो सारा ऐसा कुछ माहौल होता, नेगेटिव बनता ही नहीं बिल्कुल, पर जिस अंदाज से जिस तरीके से किया गया ना, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ये सेम मैसेज हमने पास ऑन किया था, बट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयजों को भी दिक्कत हुई, तो वो कोई ना कोई वो फेस एग्रेसिवली के सामने फेस करने पड़ गए उनको, और ऐसा नहीं सर होने के बाद आप देखो ठीक है विद इन अ वीक 10 डेज अगेन वी बैक ऑन एवरीथिंग, कस्टमर के सोल्यूशन बिठाने का रीजन विश्वास जो ऐसा लगा था कि लॉयर्स की टीम स्टार्टिंग में लॉयर्स की टीम मैनेज कर लेंगे, जो बिलीव होम जो फेस विश्वास करना पड़ा, आज जो मैंने ग्रेजुएट कल बैठाया था सुप्रीम कोर्ट की लॉयर्स की टीम है जी, पहले मेरा एक्सपेक्टेड था कि नहीं जिनको हमने हायर कर रखा था वो संभाल लेंगे वो टीम, बट वो नहीं कर पाई, हॉस्पिटल उनसे बिगड़ने के कारण ही ये सोल्यूशन ने डाला है, तो उन्होंने तो पूरा सर मेरी बात नोटिस सर्व करवाई थी जी सर, मुझे लगा था वो चीजों को मैनेज कर लेंगे जी, बट ऐसा नहीं हुआ, वो ना मैनेज कर पाया तभी तो आज ड्रिवन सर्विस बैठाने का सिस्टम कह रहा, कस्टमर के वही को बैठा रखा मैंने, अगर चीजें ना ही करनी होती मुझे नहीं कुछ करना होता तो मैं ना आपसे अभी बात कर रहा होता, पर ना वो टीम की जरूरत थी। तो वो जो टीम है आपकी सर रजत सिंह विजय शर्मा, उन्होंने 9 जून तक सभी कस्टमर को फ्रेंचाइजी को ऐसे बांध के रखा अपने, तो उन्होंने तो अपना रोल पूरा अदा किया है सर, उनको उनको आप जो देश अगर पूरा कर लेते जो प्लानिंग रची गई उसमें उनका पूरा रोल अदा गया, 9 जून को सभी कस्टमर को सभी फ्रेंचाइजी को पूर्ण रूप से बांध के रखा अपने शब्दों में, और ऐसा मतलब टाइमिंग दिया कि अभी 10 तारीख गई नहीं है, आप 10 तारीख जाए तब 11 तारीख को बात करना, 9 तारीख को उनका फोन बंद हो गया, तो इस चीज से एकदम अचानक जो इसका झटका लगा ना वो असहनीय हुआ, अगर प्रॉपर वे से आप करते हैं ये सारा जो भी बात कर रहे हो अगर इस तरीके से करते हैं तो कोई किसी के ऊपर मतलब शंका या मैं तो समझ रहा हूँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे भी वो चीजें गैप में रखती थी ना, मैं तो वही बातें कर रहा हूँ ना आपको, वो तो लॉयर की बात कर लो चाहे मेरी टीम की बात कर लो, वो आपका नाम आपका नाम लिखी कर रहे हैं ना, वो हमारे डायरेक्टर सर से हमें ये जो भी इंस्ट्रक्शन मिला हम वही कह रहे हैं, तो वो आपके आपके भी आपके भी बोल रहे थे ना, वो तो आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं, एनपीसीए का नाम लिया मेरा फॉलो नहीं है ना, मैं क्या कर रहा हूँ ये तो बाद में मुझे देखना लगा मुझे कि चीजें हाथ से और बिगड़ रही है, तब जाके वो आप देखो ये कस्टमर के सोल्यूशन 10 दिन बाद आई ना, तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे बैठ सकते थे, ये चीजें जो आप कह रहे ना बांध के रखा उन्होंने, अगर वो चीजें तो फॉलो कर रहे होते वो भी तो चीजों को लेके हट गया ना, अगर आप बात करो पुराने एम्प्लॉयज की मेरी तो वो भी चीजों को लेकर हट गया, तभी तो मुझे रिजल्ट से लेकर बैठना पड़ा, लॉयर्स की मदद से बनानी पड़ी है, नहीं ना मैंने ट्रस्ट किया था यहाँ चीजें वो संभाल लेंगे पर नहीं संभाल पाए, तो अभी अगर उनका कहना है कि लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए इसे चीजों को हम हैंडल नहीं कर पाए,
लोग फिजिकल होने के लिए तैयार हो गए थे, ऑफिस आने के लिए तैयार हो गए थे, हमें ये चीजें करनी पड़ी। उसके बाद आप तो चलो ऑफिस खाली, आप तो ऑफिस खाली करके भाग गए, जो भी आपके एम्प्लॉय थे वो भाग गए। खाली करके नहीं भागे सर, खाली करके नहीं भागे, ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो फिर आज भी ऑफिस का रेंट जा रहा है, आप तो ऑलमोस्ट रेंट, तो उसका स्टेशनरी वगैरह सारी कुछ बाहर क्यों पड़ी थी ऑफिस के बाहर में? सर वो बाहर की डिलीवरी आइटम थी। ओके, बाहर पड़ने का मतलब ऑफिस में कोई बंदा नहीं बैठेगा तो कहाँ रहेंगे चीजें? तभी जो नया ऑफिस कहाँ सेटअप कर रहे हो उसका एड्रेस वगैरह वो? सर नए ऑफिस थोड़ी गवर्नमेंट की तरफ से चीजें स्टार्ट नहीं है, फिलहाल जो बात चल रही है वर्क एट होम चल रहा है। आज मेरी जो भी कस्टमर बैठे वो मैंने दिल्ली सेटअप बैठा रखा है, ठीक है, और विद इन अ मंथ के अंदर में दिल्ली ही पहला राउंड ऑफ ऑफिस सेंटर ऑफिस दिल्ली ओपन करेंगे। तो अभी जो पेंडिंग पेमेंट है 2 मंथ का, वो कौन सी डेट को आप डाल रहे हो? वो डेट फाइनल करिए, वो डेट एग्जैक्ट बता दिए सर मेरी बात, आपको यूजर नहीं है मैं आप, ठीक है, कहीं ना कहीं आगे भी चल के हमें काम करना है, तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई कम्प्लेन करूंगा, डेट अभी फाइनलाइज नहीं है, डेट जब तक सामने से मेरे को सिग्नल था मैं ऐसा डेट आपको दूंगा नहीं, बट एक्सपेक्टेड है एंड ऑफ दिस सेप्टेम्बर और अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, सेप्टेम्बर अक्टूबर यही है। बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, इतना पैसेंस ये नहीं रख पाएंगे सर, कस्टमर बहुत बुरी हालत कर देंगे फ्रेंचाइजी की, घर पे आके बैठे नहीं रख पाएंगे, उनकी एक लॉयल सिटी में बैठाएंगे ना, जाए ग्रीवेंस सेल हायर करे, तो हम जैसे आपसे कॉन्टेक्ट करना हो कैसे करें, कोई हमें इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो किस तरीके से आपसे बातचीत करें? सर आपसे आप रेगुलर में टच, फ्रेंचाइजी में टच में रहूंगा, तो इसके लिए एक सर मेरा सजेशन आप है, अगर अगर कोई जूम मीटिंग या ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर दें या यूट्यूब चैनल पे अपना एक ऑडियो में वीडियो मैसेज में, सर अभी मैं बन नहीं, मैं वीडियो मैसेज डाल दो अपने अपने पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में सर कम से कम 8-10 हज़ार जी, आप थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ वीडियो के अलावा जो जूम मैसेज कर रहे हैं वो डेफिनेटली अगर सर मई में होगा ना, सेकंड क्वारंटाइन आप जब हुए थे, सेकंड क्वारंटाइन हुए तब आप अगर जूम मीटिंग या कुछ भी अपनी टीवियां चल रही थी उस टीवी में भी अपने मैसेज डाल देते तो लोग कम्युनिकेशन गैप, मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन गैप रहा ना, मैं तो इस चीज को मान रहा हूँ, बट आप इस चीज को हमने ये मैसेज रजत सिंह को और विजय शर्मा को भेजे थे, मैं सर सर का एक जहाँ भी बैठे हो फ्लैट में बैठे वहाँ से वीडियो बना के अपने टीवी में सर्कुलेट करा दीजिए तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। सर ये मेरे नेक्स्ट जो सिनेरियो ना आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं बंदे में बात कर रहा हूँ, करे सेंटर से यूजर लेवल में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए टीम बैठी है, रिजल्ट बैठा हुआ, ठीक है, आप जो बता रहे हो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम कोर मीटिंग ऐसा रख लेंगे, चाहे ऑनलाइन रखना पड़े वैसा हम कर लेंगे, आपके ये जो 3 बंदे हैं ये आपके जो आपका कस्टमर केयर नंबर वो बता रहे हैं कि इसमें सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में क्यों नहीं है, इनको क्यों आपने निकाला? सर नहीं है सिस्टम में, नहीं समझाना, क्या कह रहे हो आप? आपके जो कस्टमर केयर नंबर आपने मैसेज किया ना 27 जून को, हाँ जी, तो उस पर ये बात करते हैं, हमारे जो आपके 3 बंदे हैं रजत सिंह, विजय शर्मा, अनुज शर्मा, ये कहाँ है, तो ये अभी वो सिस्टम में नहीं मेंटेन कर पाए ना गया सर, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, चीजों को ये संभाल दी हो तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना, ये नहीं संभाले तो मुझे कम बैक करना पड़ा, अपने हिसाब से मुझे सिस्टम बैठानी पड़ी, मुझे लगा ये मैनेज कर लेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट की टीम में मैंने हायर करी है, एक ड्रॉबैक ये है कि आपका ना तो हमने कभी कॉन्टेक्ट किया ना आपसे फोटो देखा हमने, अभी वो है आपको भी हमने आपको भी कैसे विश्वास करें, आपका वेरिफिकेशन कैसे करें, आपका वेरिफिकेशन कैसे करें कि आप ही अशोक कुमार शर्मा हो सर? सर बिना वेरिफिकेशन के आप काम कर रहे थे कंपनी के साथ? नहीं, हमें हमारे लिए तो रजत सिंह, विजय शर्मा, अरुण शर्मा वही थे, आपके पास एग्रीमेंट मिला तो आपको दिखा नहीं कौन नाम वहाँ पे जिसका नाम है, आपका नाम है जी यार, जब वो दे रहे थे वो, अगर वो मान लीजिए वो आपसे बात करे तो आप रख सकते हैं मेरी मुलाकात हो जाए करके, सर आपने बात की रखी तब बोला था तो उनको उनका वो दुबई रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनका बहुत ज्यादा मतलब बिजी शेड्यूल रहता है, ज्यादातर मेरा बाहर रहना ही होता है, और सही टाइम पर आपको मेरी आइडेंटिटी वगैरह सारी कुछ मिलेगी जब हम आठ दो मीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, आपसे भले नहीं हुई, आपसे फर्स्ट टाइम मेरी बात भी हो रही है जी सर, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि हम साथ मिल भी ले, तो ऐसी कोई बात नहीं, सबसे पहले तो सर करने का यही रीजन है कि सर यही रीजन है कि चीजों को संभाल नहीं सके तो मैं आया, विश्वास आपके उस पर विश्वास हो रहा है, पर जब तक हमें एक पुख्ता प्रूफ नहीं मिलेगा, मेरी बात सुनिए, विश्वास मैं तो आपको सिंपल कह रहा हूँ, आपकी मेरी मुलाकात नहीं तो चीजें अगर मुझे नहीं करनी होती तो आज बात नहीं होती होती, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ और चीजें मैं चाह रहा हूँ कि मैनेज हो जाए, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज हमारी फोन पे बात हो रही है, वरना अगर आज तक मुलाकात बात नहीं है मेडिकल साहब कुछ जुड़े हुए साल भर से ऊपर हो गया, अगर आपने कंपनी में काम किया हमारी मुलाकात नहीं, अगर नहीं हो रही तो मैं बात भी ना कर रहा हूँ आपसे,
तो अभी अभी कहाँ हूँ आप, अभी कहाँ से हो? सर मैं दिल्ली, फिलहाल दिल्ली बैठा हूँ मैं। ओके, और दिल्ली टीम भी मेरी दिल्ली से ऑपरेट कर रही है, वो दिल्ली से ऑपरेट कर रही है। तो जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी दिल्ली से? ये जो आप कह रहे हैं सर, ये ऑलरेडी प्लान वे में है। ठीक है, अभी मैं वन बाई वन दो तीन सेंटर से लगातार मैं बात कर रहा हूँ। एक बार ये सारी मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम वही रखेंगे। तो अभी 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 मेरे अलावा और किस फ्रेंचाइजी से बात हुई सर आपकी? सर और भी काफी लोगों से बात हो गई है। ठीक है सर, मेन बात है सर, दो महीने का पेमेंट आप दिला दीजिए तो आपका ये दो नहीं, मैं तीन महीने का पेमेंट लेके चल रहा हूँ। आई नीड सम टाइम एंड सम पेशेंस फ्रॉम योर साइड एज वेल एज सपोर्ट ऑल्सो, तो आपको तीन महीने का एग्जरसाइज मिल जाएंगे। तीन महीने तो सर आप सितंबर जब कह रहे हो, सितंबर तक तो लोग घरों पे आ जाएंगे, बहुत बुरी हालत कर देंगे हमारे, कैसे बताओ आप? एग्रीमेंट यूजर्स के आपके साथ हुए, कंपनी के साथ हुए? कंपनी के साथ नहीं हुए, पर फैसिलिटी तो हमारी है ना सर। आपका डायरेक्ट अगर कम्युनिकेशन नंबर दो तो आप उससे, हम आपसे बात कर ले डायरेक्ट, कोई ऐसी समस्या हो तो हम बताओ ना। ये वायर अभी जैसे सर दो चीज है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको जरा सा भी अभी लग रहा हो ना कि नहीं कहीं ना कहीं ये मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा सर से, मेरी ऐसी बातें हो रही है, तो आपके ऑप्शन है कि आप कस्टमर केयर नंबर देके उनको आपको ग्रीवेंस में अपनी बातें रख दे। ग्रीवेंस केवल ऐसा नहीं है जैसे उस मैटर को, उस बात को समझे, वो चीज क्या, वो डिपार्टमेंट क्या है। जी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स अगर वहाँ पे बैठे तो वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी कम्प्लेन फॉर्म वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी वो बात वहाँ सुनी जाएगी। और सर कॉर्पोरेट वर्किंग इसी तरीके से चलता है, वो तो बात सारी आपकी सही है, जब तक आप जब वीडियो कॉल करके या कॉन्फ्रेंस करके एक बार अगर कुछ सर वो करेंगे ना, वो नेक्स्ट टाइम वो भी होगा ना मेरा, वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा सर? पर आएगा ना सर, एक बार मैं लोगों से बात कर लूँ, वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कराएगा आपके साथ। एक अगर आप लोग अपने कंपनी का अपने पूरे इंडिया में विश्वास जागृत करना है तो एक बार आप एक मंथ का पेमेंट, दो मंथ का पेमेंट अगर डाल दोगे ना तो कोई इशू नहीं है, पेमेंट अभी अपग्रेड का वो खूब सारा पेमेंट गया है। मैं बैठा हूँ ना, आपको बोलना बड़ा आसान है, आपके लिए चीजों को आ गया तो इजी में बहुत ज्यादा दे रहे हो, आपको बोलना बड़ा आसान पड़ रहा है कि सर एक महीने दो महीने आप ठीक है अपनी बात आप रख रहे हो। इवन ट्राइंग आई एम ऑल्सो ट्राइंग माय बेस्ट टू डू द सेम थिंग्स, पर थोड़ा सा मेरे को भी इसके टाइम से चीजों को मैनेज करने दे सर। तो एक एक चीज और कहना चाहूँ, पेमेंट जो अकाउंट है दिए हुए थे तीन नंबर, उसमें तीनों में अकाउंट में पेमेंट कैसे जीरो है, नील हो गया सारा कुछ? नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे थे? अकाउंट में पेमेंट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो बोलो सर। अकाउंट में आता कहाँ से आपको पता ना? तो जो कस्टमर ने डाला है वो पेमेंट उसको होना सर। मैं तो कस्टमर की पेमेंट सर रिलीज भी तो होगा ना, आप तो वही बात समझ नहीं रहे हो। रिलीज अभी तीन तीन महीने को चार महीने से लगा ना, कितने पेमेंट हमने बांटे हैं, पेमेंट आप आने की बात कर रहे हो, बताऊंगा मैं कितने पेमेंट बांटे हैं। तीन चार महीने से पेमेंट तो आए नहीं ना, मेरी लास्ट सॉलमेंट सर, मेरे लास्ट सॉलमेंट क्या था मैं जानता हूँ ना, कितने किससे मैंने बांटी लोगों को, आप अगर ये बात कर रहे हो तो अभी आज की जो अपनी जो कॉल ऑन कॉल मीटिंग है तो उसमें मैं कितना आश्वस्त हूँ कि आप जो कह रहे हो बात एकदम 100% मैं चाहूंगा पूरी तरह आश्वस्त रहो चीज को लेकर, बहुत जल्द हमारी मुलाकात कहीं ना कहीं वीडियो कॉल जूम कॉल पे भी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। कुछ कॉल मेरे और रहेगा तो लोगों से बात करनी, उनके बाद में ये डेफिनेटली इशू रखूंगा, ग्रुप विद द फ्रेंचाइजी, ठीक है, ताकि उनको कहीं भी कहीं परेशानी ना हो। ये अगर प्रॉपर वे से होता ना सर तो जैसे भी सस्पेंड का है या प्रॉपर वे में, ये सर मिस कम्युनिकेशन की वजह से ऐसा हुआ है, इसको प्रॉपर वे में किया जा रहा है। तो आपके जो ये तीन मंदिर बहुत मतलब अच्छे मंजे हुए हैं सर, इसमें कोई कम्युनिकेशन में कमी रखी नहीं बिल्कुल, और रजत सिंह सर तो बहुत स्मार्ट है। बात ना मेरी भी एक्सपेक्टेशन सेम थी ना, मेरी भी एक्सपेक्टेशन सेम थी, ये संभाल लेंगे, अगर ये संभाल लिए होते तो मुझे ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। और रजत सर ने तो इतने मतलब और स्मार्ट है, हर एक चीज को मतलब जो उन्होंने बोला है तो परफेक्ट होता था उनके उनकी तरफ से। पर मैं कुछ तो कह रहा हूँ ना, मैं एक्सपेक्टेड था ये चीजें, मिसकम्युनिकेशन वजह से हुआ है, ठीक है, कोशिश करेंगे कंपनी में वापसी हो उनकी की बात कर पाए वो, ठीक है सर। ठीक है सर, पेमेंट एक बार डाल दो तो पेमेंट एक बार डाल दो तो पेमेंट भी डलेगा, मैं कह रहा हूँ ना इस चीज को आप ले, पेमेंट भी डलेगा, थोड़ा सा आप थोड़ा सा टाइम मुझे आप दो, ठीक है,
सर लॉकडाउन में इतना लोगों ने कहाँ कहाँ से पैसे निकाले हैं, कहाँ गरीबी हालत में, गरीबी हालत की गरीबी हालत में लोगों ने सोना कहीं बेच के बुरी हालत में मतलब थे। आपको पर्सनल में आपको सजा की बड़ी चीज होंगी इतना बड़ा कुछ पेस डाउन करेगी। मैं बात कर रहा हूँ जिंदगी की फर्स्ट टाइम वाली बात होगी ना, ये चीजें कभी हमें देखी हूँ ना भी कैसा हो सकता है भाई। ऐसा ऐसा सर बुरा सपना लग रहा है मेरे को लग रहा है पर क्या मतलब ऐसा बुरा सपना तो टलेगा भी ना, अच्छे सपने जाएंगे बुरा सपना टलेगा भी, टेंशन ना लो इस चीज के लिए। क्या सर कहाँ तक बात आपकी सच्चाई होती है, तो जो आप कह रहे हो कितना आप कमिट कर रहे हो। ऐसी बात करो कंपनी से टच करके कभी आपको इनकम नहीं हुई, आपने पैसे नहीं कमाए, दो पैसे बचे नहीं आपको। वो लगा दिए साहब, लगा दिए पैसे सारे वापस टीवी में लगा दिए मैंने, वापस लगा दिए वहाँ पे लगा दिए अपनी खुद की टीवी में, उसमें लगा दिए ना पैसे। अच्छा खुद की इन्वेस्टमेंट है आपके? जी हाँ इन्वेस्टमेंट खुद के कर दिए कम से कम 20-25। ठीक है सर, होगा सर वीडियो कॉल या यूट्यूब पे? बताया आपको टाइम, बताया ना सर अभी, मैं बताया ना आपको टाइम तो नहीं बताया, कब जल्द होगा सर? जल्द होगा मेरा डेट बता दो सर, उस डेट के पहले सर डेट भी अगली मुलाकात है, डेट भी बता दूंगा अभी, जल्दी रखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह जल्दी। ठीक है सर, ठीक है सर, जो भी बात आप कह रहे हो अगर सही होती है तो